उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने ऑटो रिक्शा चालकों से वार्ता की है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस समय हमारे साथ ऑटो रिक्शा चालक जो है वो मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या उनकी बातचीत हुई है और क्या उनको अरविंद केजरीवाल आश्वासन देकर गए हैं। कि क्या नाम है आपका और क्या आपकी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री? मेरा नाम अरविंद तिवारी है और हम सेक्टर 2 यूनियन हरिद्वार BHL से ऑटो रिक्शा संचालन का काम करते हैं। और संडे को, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आए और उन्होंने उत्तराखंड में भी जो है, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आम आदमी से मिले। और सबसे पहली जो शुरुआत ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के लिए कुछ करना, घोषणाएँ करना और उनसे मिल करके साथ बैठ करके बात करना बहुत बड़ी बात होती है, जिसे सभी नेता लोग डरते हैं पता नहीं क्यों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वो घोषणाएँ कर रहे हैं और हमने उनको देखा है प्रमाण की लॉकडाउन के पीरियड में, हम ऑटो वाले हैं इसलिए ऑटो वालों की दुख दर्द को समझते हैं और उसको झेलते भी हैं प्रतिदिन रोड पर। लॉकडाउन की अवधि में भी जो 2 लॉकडाउन लगे, 5,000 रुपये महीना दिल्ली जैसे प्रदेश में उनको देना, उनके दुख दर्द समझना, चलान RTO के कागज़ टैक्स वगैरह सबका निस्तारण करवाना और करना, इन सब के लिए आदेश किया और प्रशासन को जो है प्रेरित भी किया। इन चीज़ों को देख करके हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इनकी सरकार यहाँ पर आती है तो हम लोगों के लिए शायद यहाँ भी कुछ अच्छा केजरीवाल जी के आने के बाद में हो सकता है। तो हम लोगों का समर्थन अगर वो ऐसा करते हैं तो रहेगा। कुछ और जो ऑटो चालक हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या आपकी वार्ता हुई उनसे, क्या बात हुई? मेरा नाम संजीव कुमार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार हमसे मिलने के लिए उन्होंने वार्ता दी की हमारे से। उन्होंने कहा, जैसे मेरे दिल्ली में सुधार कर रखा है, ऐसे मैं हरिद्वार में भी सुधार कर दूंगा, यहाँ के कॉलेज स्कूल बच्चों के सभी फैसिलिटी दे दूंगा जी। ये कोई और जो है जनसंघ पार्टी है, कोई और भी आपके संपर्क में है? तो आइए, और भी लोग हमारे साथ हैं जी। क्या नाम है आपका और क्या आपकी जो मुलाकात उनसे हुई है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं हरिद्वार सेक्टर 2 यूनियन से हूँ। हम ये चाहते हैं जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, जैसे कि हम परिवहन विभाग के ऑनलाइन कागज करा दें और हमें चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जगह जगह हमें स्टैंड बनवाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। बस जी, क्या राजनीतिक पार्टी और भी क्या आप लोगों के संपर्क में हैं? क्या किसी ने और आपसे जो है संपर्क साधने की कोशिश की है? राजनीतिक पार्टी तो है भाई, चुनाव का दौर है तो लगभग सभी लोग आते हैं, सभी लोग हमें जो है साधने की कोशिश करते हैं। मगर ये है कि जो है, जैसे हमारे जो केजरीवाल जी आए हैं यहाँ पे, हम लोगों को जो आश्वासन दिया है, अगर वो हमारे आश्वासन को पे खड़े उतरते हैं तो हम उनके साथ हैं जी। क्या आपको लगता है चुनाव नजदीक है और लोग जो पार्टियां हैं लगातार आपके संपर्क में रहती हैं जी, तो अरविंद केजरीवाल सर, आप ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहली बार आपसे मुलाकात की, क्या आप बातचीत उनसे हुई है? खास बात तो ये हुई जी, पहली बात तो ये है हमारे लिए अच्छी बात, क्योंकि आज तक हमने सारे काम कागजी कार्रवाई देखे जी, और पहला एक CM ऐसा है जो एक ऑटो वाले से आके मिला है। ये तो हमें तो हिकारत की नज़र से देखा जाता ऑटो वालों को जी, हमेशा हर छोटा 2 रुपए का आदमी भी मैं अड़का के चल देता जी, आप तो बात ही है। मगर एक CM दिल्ली का अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से आता है जी, और हमें गले लगाता है, हमारी बातों को सुनता है और हमारा आश्वासन देता है कि हमारा जैसे कागजी कार्रवाई है, पुलिस परेशान करती है, RTO परेशान करता है या CPO परेशान करती है, इससे हम बड़े दुखी हैं। और अभी यहाँ घोषणा की गई उत्तराखंड में BJP की सरकार है कि सबको 1,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 पहले नहीं आए लॉकडाउन में, अभी 2,000 रुपये हुए तब भी हमने पैसे लाए, कागज करवाए, अभी तक 2,000 भी नहीं आए, तो कागजों कार्रवाई में है खाली। अभी अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके लिए आगे भी अच्छा करेंगे और सोचेंगे, जैसे उन्होंने दिल्ली में ऑटो वालों के लिए किया, 5,000 रुपये महीना डाले हैं, हम भी इसी उम्मीद से उनसे जुड़े हैं जी। तो ये थे हमारे साथ कुछ ऑटो चालक जिन्होंने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है तो वो उनके साथ खड़े हुए होंगे। देवेश सागर, NBT ऑनलाइन, हरिद्वार।